दोस्तों, मैं हूँ गोपालपुरा में और यहाँ पर ही भगवान देवनारायण मदिन का बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है बरवाड़। और बाबा रामदेव का मंदिर भी है यहाँ पे, और इधर बजरंग बली का मंदिर है। और यहाँ पर मेरे साथ हैं काका जी, क्या नाम है आपका? खाना राम, मेरा नाम कान्हा राम जी मेघवाल। मेघवाल हैं, ये गोपालपुरा के रहने वाले हैं दोस्तों। और इन्होंने मेरे को यहाँ पे दर्शन कराए हैं, बहुत ही अच्छा मेरे को लग रहा है और बहुत ही सुकून टाइप यहाँ पे स्थान है, शांति प्रिय स्थान है, बहुत ही बढ़िया है। देवनारायण जी का मंदिर है यहाँ पर, जो गुजरों का मंदिर, और बाबा रामदेव मंदिर है, महादेव जी की मूर्ति है, हनुमान जी, बजरंग हनुमान जी की, बजरंग बली की मूर्ति है। तो ये सब इन्होंने मुझे गोपालपुरा में आया हूँ और गोपालपुरा में मुझे बताया है दोस्तों। और ये पूरा जो इलाका है, इधर का जो पूरा क्षेत्र है, ये तलवटी खाने हैं इसके अंदर, और जंगली इलाका है। इधर का भी पूरा जंगल है ना, ये पूरा जंगली इलाका है, खाने दोनों ही तरफ जंगल हैं। और क्या है यहाँ पे खाने वगैरह है? वगैरह तो दूर है, जो ये भक्त जंक्शन है। पूरा जंगल है। ये बूथी बसला भी नीचे है, और ये टंकी पानी क्या है, हाँ खेल वेल का, गौ माता का पीने के लिए, हाँ नहाने धोने का सब साधन है। सारे साधन हाँ, है। और कोई यात्री आवे तो भी ये चौराया वगैरह सब है, हाँ, यात्री आए तो, कोई यात्री सौ आते पचास तो मिनट यहाँ का पे आराम। चौराया है, खाना वाना बनाने का अच्छा स्थान है। और यहाँ पर जो गुजर परिवार ज़्यादा रहते हैं यहाँ गुजर पर, ज्यादा मकर मेघवाला से ज्यादा। गुजर परिवार ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर, तो गुजरों का मंदिर है, देवनारायण का स्थान है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत सुकून मिला है यहाँ पर आकर, बहुत खुशी मिली है। और काका साहब मेरे को लेके आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा है मेरे को, बहुत तो शांति। मैं हूँ धान के खेत में, और ये है कोटा का इलाका जो बूंदी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वो धान दोस्तों कैसी, किस प्रकार से फसल है, अभी वर्तमान समय में क्या परिस्थिति है, इसको देखते हैं अपन, कितना इसमें धान लग रहा है दोस्तों। आपको मैं एक वीडियो से पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा, और यहाँ से जो किसान भाई हैं उनसे भी पूछने की कोशिश करूंगा कि ये क्या बोलते हैं इसको। वैसे हमारी भाषा में तो इसको धान बोलते हैं, मंडी में धान के नाम से बिकता है, लेकिन यहाँ के जो किसान हैं वो इसको कुछ ही घंटा अलग अलग बोलता। नाम से बोलते हैं। तो ये है धान की फसल, और ये इसमें लगा हुआ है, ये इसके बारे में अपन पूछेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। ये पूरा खेत है, लंबा चौड़ा आप देख सकते हैं, और ये पूरा है। तो ये हमारे साथ हैं किसान भाई, इनसे पूछते, क्या नाम है आपका? खाना राम कान्हा राम जी हैं, और क्या मेघवाल, बोलते हैं इसको? इसको घंटा बोलता, गरडा घंटा बोलता है चावल, इनके लाइन में, चावल गरडा, चावल जो इसका, ये कब लगाते हैं इसको खेत में? ये अपना सावण। सावण महीने में हाँ, लगाते हैं, सावण महीने में लगाते, फिर कटिंग करते हैं इसको, है? कटिंग तो अब करेगा, एक पाकेगा अब। पाक जावी कतरे हाँ, टाइम में पाक हल्का जा, पाकवा में ही। पाकवा में हाँ, ही है, 5-15 दिन में 5-15 दिन में, पच्ची कटिंग करी, पच्ची मशीन में निकाले, यू जुड़े यू दे दे जुड़े जुड़े। इसको हाँ, मशीन में नहीं निकालते मशीन हैं, में नहीं निकाले। जुड़ने से निकल जाता हाँ, है, तो ये तो कम भाव में जाता है। आयु खदीक 3,000 का भाव आ जावे, खदीक 2 का आ जावे, हाँ, बहुत ज्यादा कम कोई भाव जुड़ में जावे। जाता है ये, बाकी जुड़ने में मेहनत है इसमें तो, काफ़ी इंतजार था। ज़्यादा मेहनत है इसमें तो, है ना। धान की फसल है ये, आप देख सकते हैं, चावल की खेती, ये बहुत कम लग रहा है, इतना ज़्यादा तो नहीं लग रहा है। हाँ, गणा तो कौन है, ये काफ़ी फसल, पानी की ज़्यादा पानी चाहिए इसमें, पानी ज्यादा चावे पानी इसमें। की फसल है ये पूरा। हाँ, और ये पूरा इलाका जो धान से लगा हुआ है, ये इतना सारा आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरा ही दोस्तों आपको वीडियो बता रहा हूँ। तो ये जो अब निकलने वाला है, बहुत ही कम समय में ये पक जाएगा, और ये धान की फसल पूरी निकल जाएगी दोस्तों। धर्मराज, ये धान की फसल है ना, जी सर, कैसे लगाते हैं इसको? इसको गेड़ करके और चोपा जाता है, एक इसको। अच्छा, एक एक चोपा जाता है, तो इतनी फसल थोड़ी होती है, क्या मुश्किल काम है ये तो, आज मुश्किल तो है, लेकिन ठीक निकलता है इसमें, ठीक निकलता है। कितना निकलता है 1 बीघा का, क्विंटल के ये लगभग? 7-8 बोरी कर लम 7-8 बोरी। भाव क्या जाता है ये? 2,000 से इनका जाता है, 2,000-2,500 तक। 2,000-2,500 तक 7-8 क्विंटल निकलता है बीघे का, है ना। जी तो ये अपने क्षेत्र में ये अच्छा होता है यूँ दूसरी फसल के मुकाबले? हाँ, तो दोस्तों ये तो ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट है ना, जी बूंदी डिस्ट्रिक्ट के मैं गोपालपुरा गांव में हूँ, और गोपालपुरा गांव से ये भैया है, क्या नाम है आपका? धर्मराज जी, धर्मराज। धर्मराज हैं, और इन्होंने मुझे बताया कि दोस्तों ये धान की जो फसल है, ये धान की फसल इनकी खेती है, कितने बीघे का लगा रखा आपने ये धान? 12-13 बीघा में, 12-13 बीघा में इन्होंने धान लगा रखा है, और कब तक निकल जाएगा ये? ये 15-20 दिन में
15 20 दिन में फ्री हो जाएगा। इसको और पानी की जरूरत है नहीं, अब नहीं, अब तो अब बरसात लास्ट तक हुई तो अच्छी हुई है, मतलब लास्ट तक बरसात हुई तो यहाँ चलो ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा दोस्तों इन्होंने मुझे बताया है। दोस्तों जो वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।